राजस्थान में बीते 25 दिनों से सियासत गरमाई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रहे सियासी संग्राम को काबू करने के लिए कांग्रेस के कई नेता आगे आए हैं। सीएम गहलोत सहित कई कांग्रेसी नेताओं ने सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों के सामने माफी की शर्त भी रखी है। कांग्रेस में इसी असमंजस के हालात के बीच पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज भाजपा नेता वसुंधरा राजे को लेकर खबर आ रही है। आपको बता दें, प्रदेश भाजपा के नेताओं को उम्मीद है गहलोत सरकार गिरी उन्हें ही सत्ता में आने का मौका मिलेगा। यही वजह है कि बीजेपी के नेता राजस्थान के सियासी घटनाक्रम पर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन वसुंधरा राजे ने पूरे प्रकरण से दूरी बनाए रखी है। उन पर एनडीए में शामिल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक और सांसद हनुमान बेनीवाल गहलोत के साथ साठगांठ का आरोप लगाते हैं। वसुंधरा राजे ने बीते दिनों ट्वीट करके कहा, मैं पार्टी और विचारधारा के साथ खड़ी हूं, लेकिन जब केंद्र से लेकर राज्य स्तर तक के नेता लगातार कांग्रेस को घेर रहे हैं, वसुंधरा राजे ने चुप्पी बनाए रखी है और उनकी चुप्पी पर कांग्रेस खुश है, लेकिन बीजेपी के नेताओं को ये चुप्पी कांटे की तरह चुभ रही है। जो जानकारी मिल रही है उसके आधार पर आपको बता दें, प्रदेश के ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला का कहना है, वसुंधरा राजे को कमजोर करने के लिए भाजपा का एक गुट जुट चुका है, लेकिन ये वसुंधरा राजे का मुकाबला नहीं कर सकते। एक तरफ वसुंधरा राजे कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजी करने से बच रही हैं और वहां दूसरी तरफ कांग्रेसी नेता लगातार कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी में खेल खेला जा रहा है, षड्यंत्र रचा जा रहा है ताकि उन्हें दरकिनार कर दे। फिलहाल वसुंधरा राजे की कांग्रेस के प्रति हमदर्दी और कांग्रेस नेता जिस तरह से वसुंधरा राजे के प्रति चिंतित हो रहे हैं, राजस्थान की राजनीति में ये चिंतन हलचल पैदा कर रहा है। SPN9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।